हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। इस चैनल पे मैं मोस्टली तो इंडिविजुअल शेयर्स या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ, मगर आज मैं आपके सामने एक थीमेटिक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि SBI म्यूचुअल फ़ंड के अंडर आता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट होता है जिनके जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है स्टैंडर्ड्स वो अच्छे हो, जिनके जो कस्टमर्स है वो अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड हो, जिसके वजह से रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, जो कंपनीज़ इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड कंपनीज़ हो, तो वैसे लोगों के लिए एक SBI का थीमेटिक म्यूचुअल फ़ंड आई थिंक कि ये वैसे नीड्स को सूट करता है जो कि MNCs में इन्वेस्ट करता है, खास करके इंडिया के MNCs में भी इन्वेस्ट करता है जिनका 50% से ज़्यादा या फिर तो जो MNCs के डेफिनेशन में क्वालिफाई करते हैं मल्टी कंट्रीज़ में उनके कस्टमर हैं। तो ये फ़ंड का नाम है SBI मैग्नम ग्लोबल फ़ंड। इसके जो बेसिक थिंग्स है वो मैं समझने की कोशिश करने वाला हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये SBI के वेबसाइट पर से डेटा है, होम पे क्लिक करके इक्विटी स्कीम्स में जाके SBI मैग्नम ग्लोबल फ़ंड आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर मिस्टर अनूप उपाध्याय ये फ़ंड 2018 से मैनेज कर रहे हैं, इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर अनूप ने SBI म्यूचुअल फ़ंड 2007 में ज्वाइन किया था। उन्होंने BTech ऑनर्स कंप्लीट किया IIT खड़गपुर से और एक PG डिप्लोमा किया हुआ है मैनेजमेंट में, IIM से किया हुआ है लखनऊ से, और वो चार्टर होल्डर भी हैं CFA इंस्टीट्यूट के, और यहाँ पे आने से पहले वो TCS में काम करते थे। और ये जो तीन बाकी के म्यूचुअल फंड है जैसे कि मल्टी कैप फंड, ग्लोबल फंड और अपॉर्चुनिटीज़ फंड SBI के टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, वो भी मिस्टर अनूप उपाध्याय मैनेज करते हैं, तो ये इसके मैनेजर हैं। ओके, तो बेसिकली स्कीम पे आते हैं। ये इक्विटी कैटेगरी की स्कीम है जो कि हाई रिस्क कैरी करती है। इसके अंडर लगभग 3,500 करोड़ का अच्छा खासा एसेट है। इसके रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स के रिटर्न मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हैं जो कि रेगुलर ग्रोथ प्लान के लिए लगभग 17% है, जो कि बहुत अच्छे खास है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 तक है और मिनिमम एडिशनल लमसम 1,000, तो मोस्टली 5,000 सभी फंड्स में होता ही है, कुछ फंड्स और भी कम करने लगे। तो ये फ़ंड का ओवरव्यू सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये फ़ंड इन्वेस्ट किस में करता है। तो जिनका मेजर शेयर होल्डिंग, जिन कंपनीज़ का जो कि यहाँ पे स्टॉक लिस्टेड है, फॉरेन एंटिटी होना चाहिए मेजर शेयर होल्डिंग, और दूसरा इंडियन कंपनीज़ जिनका 50% टर्नओवर इंडिया के बाहर के रीजन से आता है, और जो फॉरेन लिस्टेड कंपनीज़ है, तो ऐसे कंपनीज़ में ये म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्ट करता है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐसा थीमेटिक फ़ंड है। ओके, तो इसका हिस्टोरिकल NAV एक यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 साल का NAV का जो ग्राफ है डायरेक्ट प्लान का, ग्लोबल SBI मैग्नम ग्लोबल फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ प्लान 5 ईयर्स ग्राफ, तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा ग्रोथ इसने दिखाया हुआ है NAV में, और डिविडेंड्स का डिटेल यहाँ पे दिया है। तो ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके पोर्टफोलियो वगैरह हम चेक करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं और इसमें SBI मैग्नम ग्लोबल फंड का PDF ओपन करते हैं, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब समराइज उन्होंने करके दिया हुआ है कि नेट एसेट वैल्यू कितना, लास्ट डिविडेंड्स कितने दिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग प्राइमरली ऑफ MNC कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और ये 1994 से स्टार्ट हुई है, 3,500 करोड़ का लगभग एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और मिस्टर अनूप उपाध्याय इसके मैनेजर हैं। ओके, निफ्टी MNC मतलब निफ्टी का मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो इंडेक्स है, निफ्टी NSE का, निफ्टी का, तो वो इसका बेंचमार्क है जिसके साथ ये कंपेयर करता है। इसमें एग्जिट लोड भी है, अगर 12 महीने के 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं, आप स्कीम में पैसे डालते हैं और एग्जिट करते हैं, तो 1% आपका जो टोटल है उसमें से कट हो जाता है, और 12 महीने के बाद 1 साल तक अगर आप रखते हैं तो एक्चुअली वो बेनिफिशियल भी होता है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू भी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद 0 चार्जेस है, SIP के फैसिलिटी है अलग अलग पैरामीटर्स पे, और हाँ ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 14.37% है,
और बीटा 0.67% है, शार्पे रेशियो 0.12 है और पोर्टफोलियो का टर्नओवर 0.76 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है जिन्हें ये समझ में आते हैं। एक्चुअली इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, तो अभी मैं फ़िलहाल ये कवर नहीं करूँगा। आई होप कि आपको ये पता होंगे या फिर समझ में आते होंगे। ओके, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जो इसका है वो इम्पोर्टेंट है चीज़ देखना, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करूँ। मैं भी वही सोचता हूँ कि जब आपको इसका पोर्टफोलियो पता है तो आप पर्टिकुलरली डायरेक्टली जाके इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हम सोचते हैं ऐसे क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री और एग्जिट और फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज़ होता है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें भी होते हैं कि कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है। तो इसके बेसिक जो टॉप 10 अगर हम ये देखेंगे कंपनीज़, तो पहला तो है कोलगेट जो कि बहुत अच्छी खासी नामी कंपनी है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर डीवीज लेबोरेटरीज, फिर मारुति सुजुकी इंडिया, फिर ग्राइंडवेल, नॉर्टन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, शफलर इंडिया लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड कैम्बल एंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, वेदांता, सनोफी, गुडियर, ITC, PI इंडस्ट्रीज, वर्लपूल इंडिया, SKF इंडिया, और ये बाकी जो है 1-1% या फिर उससे भी कम है, सब मिलाकर 100% होता है। तो ये अगर सेक्टर वाइज इसको क्लासिफाई करेंगे तो इनका कंज्यूमर गुड जो कि दिख के आता है, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, कोलगेट, हिंदुस्तान वगैरह ऐसे, तो वो मोस्टली 30-35% है, और इंडस्ट्रीज रिलेटेड और लगभग 20% है, और फार्मा 10%, ऑटोमोबाइल लगभग 8-10% है, तो और बाकी सब ऐसे ब्रेकअप है। तो मेजर आप अगर म्यूचुअल फंड में, ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस वाले MNCs में जिनके कस्टमर्स बहुत सारे कंट्रीज़ में होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल में डाइवर्सिफाइड है, तो आप ये म्यूचुअल फंड के बारे में आई थिंक ये सोच सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंपनीज़ के एसेट, जो कंपनीज़ का स्ट्रेंथ है मार्केट कैपिटल का, उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो इसमें मोस्टली 40% तो बड़े कंपनीज़ है, लार्ज कैप है, और 50% मिड कैप और स्मॉल कैप में है, और उसमें भी मोस्टली अगर पकड़ेंगे तो आप मिड कैप और लार्ज कैप में मेजॉरिटी इसका पार्ट कवर होता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कंपनीज़ भी नहीं है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो नंबर ऑफ मतलब 25-30-40 कंपनीज़ उसमें होते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो कन्फ्यूजन का इशू नहीं है। और ये रेशियोज़ भी समझना और कंसिडर करना भी इम्पोर्टेंट है जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन है। ओके, तो ये इस म्यूचुअल फंड के बारे में था। अगर आपको इनके बाकी एनुअल, ये बाकी म्यूचुअल फंड से इस स्कीम के बारे में कंपेयर करना है, तो ये वाला PDF भी है जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने कंपेयर किया है कि दूसरे म्यूचुअल फंड जो है इनके थीमेटिक उसके कंपेयर में ये कैसा है, और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसका परफॉर्मेंस, एक्चुअली पास्ट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता है फ्यूचर को, ये एक डिस्क्लेमर तो सब जगह होता ही है म्यूचुअल फंड के ऐड में, मगर फिर भी एक पहले से चला आ रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो SBI मैग्नम ग्लोबल फंड का पास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न अगर देखते हैं, 1 ईयर का देखना आई डोंट थिंक कि सही होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लगभग 20% की रेंज में है 5 ईयर्स का रिटर्न। और जो बेंचमार्क का या फिर निफ्टी का, अगर निफ्टी का या फिर बेंचमार्क का कंसिडर करेंगे तो ये फिर भी उससे ज़्यादा है, और ये बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स 13% है, इंडेक्स फंड के कंपेयर में बेटर परफॉर्मेंस है। ओवरऑल 17% कम नहीं है, अगर आप पर्टिकुलर थीम पकड़ के चलना चाहते हैं और ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वही एरिया में। ओके, तो ये मेरे कुछ अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किए। प्लीज़ रेफर द डिस्क्लेमर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस वीडियो। शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ पुट इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।